हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसके कंसेप्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे। और ये पूरा डिस्कशन आपका ऐसा रहने वाला है कि अगर सारे क्वेश्चंस के जो अगर कंसेप्ट में यहाँ पे जो देने वाला हूँ, अगर इसको आप अच्छे से समझोगे तो आप सारे क्वेश्चन जो हैं कितना भी टफ रहेगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है वो अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन सबके प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या है, अ गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन बींग 5000 किलो जूल। मतलब किसी सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, उस गैस को कंप्रेस हम लोग कर रहे हैं, और कंप्रेस करने के लिए हमें वर्क कितना देना पड़ रहा है, 5000 किलो जूल देना पड़ रहा है। ठीक है, इसी प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इंट्रैक्शन ऑफ 2000 किलो जूल कॉजेज द सराउंडिंग टू बी हीटेड। मतलब अगर मेरा सिस्टम, अगर सिलेंडर का अंदर वाला पार्ट है तो मेरा सराउंडिंग हीट हो जा रहा है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग जो है हीट का ट्रांसफ़र हो गया कितना, 2000 किलो जूल। तो उसने बोला कि बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि बच्चे इसमें नोटेशन में बहुत ही गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो अब देखो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र सिस्टम से सराउंडिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब सिस्टम से बाहर हीट जब जाता है तो उसको हम लोग किस में लेते हैं, -2000 किलो जूल। माइनस इसमें क्यों लगाया है हम लोगों ने, क्योंकि सिस्टम से बाहर मेरा हीट चला जा रहा है। ठीक है, तो हीट का वैल्यू कितना हो गया, -2000 किलो जूल हो गया। वर्क क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो, मतलब वर्क हमको देना पड़ रहा है। तो जब हम लोग किसी भी सिस्टम में हीट वर्क अगर देना पड़ता है, मतलब वर्क को ऐड करना पड़ता है, तो उसको हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, वर्क ऑन द सिस्टम। तो ये निगेटिव हो जाता है कितना, -5000 किलो जूल। एंड वी नो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब डेल क्यू का जगह कितना रखोगे, -2000 रख दो यहाँ पे, ठीक है, और इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू -5000 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब -5000 वाला जो पार्ट है अगर इस इधर लेके आओगे तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +5000 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जब यहाँ से आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा +3000 किलो जूल निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी हो जाएगा। ये प्लस क्यों आया, देखो कोई भी चीज़ को कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, और हमें पता है कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो MCB dT होगा। ठीक है, तो भैया टेम्परेचर राइज होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो यहाँ से ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो होता है ये हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो है किसी भी ओपन सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं, किसमें, ओपन सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं फॉर स्टडी फ्लो। ठीक है, स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि जो मास जो रहेगा, मास कंजर्वेशन, मतलब अगर किसी सिस्टम में मास जितना भी एंट्री करेगा, इनलेट होगा, उतना ही एग्जिट करेगा। ठीक है, और जो अगर जितना ही एनर्जी इनलेट करेगा उस सिस्टम, उतना ही एनर्जी कितना होगा, बाहर भी होगा। उसके बाद कि देर इज़ नो एनी चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उस सिस्टम के अंदर ना ही एनर्जी ना मास, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज़ अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि स्टडी फ्लो बोलते हैं। तो स्टडी फ्लो जब हम लोग ओपन सिस्टम के लिए लगाते हैं तो वहाँ से जो निकल के आता है हम लोग का एक इक्वेशन निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो लिखेंगे वो क्या होता है, H1 plus V1 square upon 2 plus G Z1 plus Q is equal to H2 plus V2 square upon 2 plus G Z2 plus work done। ये लिखते हो कि क्या लिखते हो, ये हो गया मेरा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ए ओपन सिस्टम इन केस ऑफ स्टडी फ्लो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है
कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक टेक्स द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच, मतलब अगर हमें कहीं वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अगर देखने को मिल जाता है तो ये जो रिलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में किस कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है, कहाँ से आ सकता है ये। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो क्लोज सिस्टम होता है उसके हम लोग वर्क डन क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी। तो जहाँ पर भी आपको क्लोज सिस्टम दिख गया ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये क्लोज वाला नहीं हो सकता, क्लोज ये भी नहीं हो सकता है। अब हमें चेक करना ओपन सिस्टम और स्टडी, मतलब ओपन सिस्टम चेक तो करना बचा भाई ऑप्शन भी, तो आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको क्या बोला है कि एन ओपन सिस्टम अंडरगोइंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस। जहाँ पर भी एडियाबेटिक का मतलब क्या हो गया, हीट ट्रांसफर मतलब जीरो हो गया, ठीक है, विथ नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है ये होता है, ठीक है, इसमें हीट ट्रांसफर जीरो क्योंकि एडियाबेटिक हो गया, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ बचा कि एच वन इज माइनस एच टू इक्वल टू डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अब ये जो वर्क डन होता है चेंज इन एंथैल्पी किस केस में आता है, तो ये आ जाता है आपका ओपन सिस्टम के केस में जब एडियाबेटिक रहेगा और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है उसको हम लोग नोजल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद टर्बाइन में यूज़ कर सकते हैं, इसी को हम लोग कंप्रेशर में यूज़ कर सकते हैं, बॉयलर में यूज़ कर सकते हैं, कंडेंसर में यूज़ कर सकते हैं, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। किसको, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो कि हर जगह डिपेंड करता है कि कौन कौन सा कंडीशन को लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टीम एट इनिशियल एंथैल्पी देकर रखा हुआ कितना 100 किलो जूल पर के जी एंड इनलेट वेलोसिटी देकर रखा हुआ 100 मीटर पर सेकेंड एंटर्स एन इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल। अब ये देखो नोजल है, इंसुलेटेड का मतलब क्या हो गया कि भैया जो भी यहाँ पे एंटर कर रहा है, क्या एंटर कर रहा है, यहाँ पे स्टीम एंटर कर रहा है, उसका हीट ट्रांसफर बाहर नहीं हो सकता, मतलब हीट ट्रांसफर क्या हो गया इंसुलेटेड के केस में जीरो हो गया, ठीक है। और जो वेलोसिटी यहाँ पे इस कंडीशन में अगर 2 मान लेते हैं और एंट्री कंडीशन को 1 मान लेते हैं, तो 2 कंडीशन का वेलोसिटी देकर रखा हुआ 200, तो पूछा कि भाई बताओ द एग्जिट एंथैल्पी कितना होगा। तो देखो इस केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो उसको हम क्या करेंगे नेगलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है जो ग्राउंड से जो आप हाइट लेते हो, अगर मान लो ये दो पॉइंट है दोनों का अगर हाइट मान लो ग्राउंड से सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको यूज नहीं किया गया। तो सिंपल सी बात है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर इस केस में लगाना है तो क्या लगाओगे, एच वन प्लस वी वन स्क्वायर अपन टू इज इक्वल टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर अपन टू। और आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग जो ये इक्वेशन डिलीवर ये डेरिवेशन किए थे उसमें एच वन और एच टू को जो यूनिट रहता है उसको हम लोग किलो जूल पर केजी में देकर रखे हुए थे, और वी वन और वी टू जो होता है काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी तो जो आपका है उसको हम लोग जूल पर केजी, मतलब अगर हमको इसको किलो में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, 10^3 से मल्टीप्लाई और 10^3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10^-3 किलो जूल में हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इसमें करना क्या है, नोजल के केस में आपको क्या देकर रखा हुआ, वी वन देकर रखा हुआ है, ठीक है, इनलेट वेलोसिटी, और वी टू देकर रखा हुआ, एस टू निकालना है। तो एच वन और एस टू का यूनिट देखो यहाँ पे किसमें, किलो जूल पर के जी में है, ठीक है, और आपका वेलोसिटी देकर रखा हुआ एच टू तो निकालना है, वेलोसिटी देकर रखा हुआ 100 मीटर पर सेकंड, तो कुछ नहीं करना है दोनों साइड में 10^3 इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दो और 10^ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 10^3 वाला जो पार्ट है ये ऊपर से जब हट जाएगा तो जूल के जगह क्या किलो जूल हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा एच वन माइनस एच टू, सॉरी एच टू तो अभी हम लोग यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको ना, तो एच टू को निकालना है तो एच टू को उधर ही रखते हैं, तो एच वन इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं एच वन प्लस वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टू, और 10^3 से मल्टीप्लाई किया तो किलो जूल में कन्वर्ट हो गया, और नीचे भी 10^3 रहेगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10^-3 इज इक्वल टू एच टू। अब जो यूनिट है अब ये सेम हो गया, यूनिट सेम करने का मतलब क्या हो गया कि एच वन भी किलो जूल पर केजी में है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी किलो जूल पर केजी में है। यहाँ से जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो जो एच टू हम लोग का निकल के आता है ये निकल के आएगा आपका 85 किलो जूल पर केजी निकल के आएगा, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देखना ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब स्टीम टरबाइन के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, कि एक स्टीम टरबाइन है जो रिसीव कर रहा है स्टीम कितना 10 बार प्रेशर पे, उस टाइम उसकी एंथैल्पी कितना रहती है 3000 किलो जूल है, ठीक है,
और डिस्चार्ज जब वो टरबाइन से बाहर चली जाती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी जब वो टरबाइन से बाहर जाएगा तो कम होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी स्टीम के साथ था वो टरबाइन के ब्लेड को घुमाने में उसका खर्चा हो गया है। तो यहाँ पे जब स्टीम एंटर कर रहा था टरबाइन में तो प्रेशर कितना रहता है, वो बॉयलर का प्रेशर जितना रहता है उतना ही रहता है, क्योंकि बॉयलर में स्टीम बनता है और उसके बाद फिर ये टरबाइन में भेजा जाता है, ठीक है। तो 10 bar उस टाइम का प्रेशर था, और जब ये बाहर जा रहा है तो उस टाइम का प्रेशर कितना है, 1 bar। तो ये बाहर जो जा रहा है ये प्रेशर कहाँ का रहता है, ये कंडेंसर का रहता है, कंडेंसर पढ़ेंगे हम लोग अगले डिटेल में। तो उस टाइम जो एनर्जी है यहाँ की, एंथैल्पी जो देकर रखा हुआ कितना है, 2700 एंथैल्पी इस पॉइंट पे है, और जब एंट्री कर रहा था उस टाइम एंथैल्पी कितनी टरबाइन के इनलेट में, 3000 है, ठीक है। तो द वर्क आउटपुट, मतलब अब हमें पता है कि जो टरबाइन होती है कैसी डिवाइस होती है, टरबाइन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। तो इस पर क्या लगा, और एक शाफ्ट लगा होगा जो हमें वर्क कितना दे रहा है, आपका वर्क इज इक्वल टू दे रहा है हमें 250 kJ/kg, ठीक है। पूछा क्या था, चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो इसको नेग्लिजिबल लेके चलना है। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग, मतलब ये जो टरबाइन जिस जगह पर रखा हुआ है, जब 3000 से 2700 मतलब एंथैल्पी जब डिक्रीज होता है तो बताओ उस टाइम सिस्टम से सराउंडिंग कितना हीट का ट्रांसफर हुआ होगा। तो आपका दिमाग में चल रहा होगा, तो ये जो केस जो डेटा जितना भी दिया हुआ है ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो सिंपल से क्या लगा, H1 लगा दो, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को नेगलेक्ट करके चला तो ये तो टर्म आएंगे नहीं, इज इक्वल टू H2+W। अब H1 कितना दिया, 3000, ठीक है। क्यू हमें निकालना है, H2 देखे रखा हुआ कितना, 2700, और वर्क जो मेरा टरबाइन प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना, 250 है। और जब आप इसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे क्यू, तो ये निकल का आएगा -50 kJ/kg, और माइनस आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आपका टरबाइन सिस्टम है तो सिस्टम से जब बाहर हीट जाता है सराउंडिंग में तो हीट, जो हीट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस में लिखते हो, नेगेटिव में लिखते हो। क्लियर है ये वाला, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो इसको, ए स्मॉल स्टीम व्हीसल परफेक्टली इंसुलेटेड। देखो वर्ड पे बड़ा ध्यान रखना, इंसुलेटेड का मतलब जहाँ पर भी रहेगा उसका मतलब हीट ट्रांसफर क्या हो गया, जीरो हो गया। डूइंग नो शाफ्ट वर्क, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। कॉजेज अ ड्रॉप ऑफ 0.kJ/kg इन एंथैल्पी ऑफ स्टीम फ्रॉम द एंट्री टू एग्जिट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम एट एंट्री इज नेग्लिजिबल देन द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट एग्जिट। अब देखो ये क्या बोला है कि मान लो एक व्हीसल है, व्हीसल या कोई भी एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या कर रही है, जो स्टीम जो है एंट्री कर रही है, ठीक है, उस टाइम उसकी कुछ एनर्जी रहती है, और टू जो जब वो बाहर जाती है उस टाइम कुछ उसका एनर्जी है। तो ये जो H1-H2 होता है ये क्या दिखाता है, ये ड्रॉप इन एंथैल्पी, मतलब कितना एनर्जी में ड्रॉप था। मतलब अगर मान लो स्टार्टिंग में 5 था और यहाँ पे 3 हो गया, तो 5-3 कितना हो गया, 2, तो मतलब ये ड्रॉप इन एंथैल्पी हो गया 2। तो वही देखकर रखा हुआ है, जो एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है इस इंसुलेटेड व्हीसल में वो कितना है, 0.8 kJ/kg, मतलब H1-H2 आपको देकर रखा हुआ 0.8 देकर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो इनलेट वाला जो वेलोसिटी है उसको क्या करना है, नेग्लिजिबल लेके चलना है। तो बताओ इस 2 point के वेलोसिटी क्या होगा। देखो अब हमें पता है कि जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, H1+V1² / 2 इज इक्वल टू H2+V2² / 2। अब देखो यहाँ पे Q और W क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर जीरो हो गया, और पहले यहाँ पे बोल दिया कि भैया नॉन सॉफ्ट वर्क है, ठीक है, इसलिए वो सारे टर्म यहाँ पे नहीं आए। H1-H2 देकर रखा हुआ और इसको लेके चला नेगलेट उसने, तो H1-H2 यहाँ पे क्या होता है, 0.8 kJ/kg। लेकिन हमें पता है जो V2 का वेलोसिटी, जो V2 जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसकी जो यूनिट यहाँ पे देकर रखी है वो जूल पर केजी में है। तो इसको भाई किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10³ से जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड करोगे तो यहाँ से 10³ हट गया, तो ये क्या बन गया, किलो जूल बन गया, और ऊपर जाएगा तो यही 10³ कन्वर्ट हो जाएगा -3/2V2², ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग सोल्व करेंगे किसको, V2 को, तो यहाँ से V2 निकल कर आ जाएगा आपका 40 m/s निकल कर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए B होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपका। तो यूनिट पे आपको बड़ा ही अच्छा से ध्यान रखना, ठीक है, कि किसका कहाँ पे यूनिट है, क्योंकि हमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो रहता है वो जूल पर केजी में रहता है, तो उसे हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, जब भी किलो जूल में कन्वर्ट करना रहेगा वेलोसिटी को, तो कुछ नहीं करना उसमें, सिर्फ 10⁻³ और जो V² / 2 लिख दे हुए तो ये काम आपका चल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे,
तो अब चलिए कुछ इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या है कि एक टरबाइन दिया हुआ है, ठीक है। टरबाइन के इनलेट के कंडीशन में एच वन वी वन मतलब इंथैल्पी देकर रखा हुआ, वेलोसिटी देकर रखा हुआ, जेड वन मतलब क्या कि ग्राउंड से वन पॉइंट की जो हाइट होती है वो जेड वन देकर रखा हुआ है, और यहाँ से जेड टू देकर रखा हुआ है, मतलब ये आउटलेट कंडीशन है। तो बोल रहा है कि अगर स्टीम में जो मास फ्लो रेट हो रहा है मतलब टरबाइन में वो 20 kg/s है, तो बताओ मेरा टरबाइन कितना वर्क आउटपुट दिया होगा। तो जब भी ये सब डेटा दिख गया तो माइंड में आपको नहीं आ रहा होगा यार कि ये जो कंडीशन बना है ये मेरा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का बना है, ठीक है। अब ये चेक करना है कि देखो इसमें क्या क्या डेटा देकर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसने एडियाबेटिक बोल दिया, तो एडियाबेटिक का मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ पे इसने बोल दिया कि हीट ट्रांसफ़र जीरो हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं सारा जितना भी टर्म होता है, एच वन प्लस वी वन स्क्वायर अपन टू प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्लू। अब हीट ट्रांसफ़र जीरो हो गया क्यों, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखो एच वन देकर रखा हुआ, एच टू देकर रखा हुआ, वी वन और वी टू का टर्म में जब आप इसको यहाँ पे इसको अरेंज करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से इसको हमको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये हो जाएगा एच वन माइनस एच टू हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी वाला टर्म दोनों एक साइड लिखा हो, जब यहाँ पे 10^-3 लिख दिया मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी अब किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इनटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर अपॉन टू हो गया प्लस जी जेड वन माइनस टू, जेड वन माइनस जेड टू, ये हाइट भी देकर रखा हुआ है, इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। यही तो निकालना हमें, सारा डेटा दिया हुआ है। जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे और इसको जब सॉल्व करोगे तो जो डब्लू निकल के आएगा यहाँ पे कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा 607.84। ध्यान रखना ये क्या निकल का है, किलो जूल पर केजी निकल का आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा गया, आपको क्या पूछा यहाँ पे, इसने पूछा है बताओ क्या होगा पावर आउटपुट, मतलब अगर जो भी आपको वर्क दिया हुआ है उसको अगर मास फ्लो रेट मतलब किलो जूल पर केजी क्या हो गया, वर्क आपका देकर रखा हो, मास फ्लो रेट का मतलब होता है केजी पर सेकंड। अब जैसे इसको केजी पर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो भाई केजी केजी कट गया, तो जूल पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किलो वाट, इसमें पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना मेरा, जो यहाँ से निकल के अभी आया ना W, इसको हमें क्या करना है, इसको 20 से मतलब जो मास फ्लो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना था। जैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 12157 इतना किलोवाट निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हमें मेगावाट में कन्वर्ट करना है तो 1 मेगा का मतलब क्या होता है 10^6, तो ये हो जाएगा 12.157 मेगावाट, ये इतना पावर निकल के आएगा टरबाइन के द्वारा, ठीक है। तो ये हमें कहाँ क्या कैसे अप्लाई किया इसको, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, सिंपल सी बात है, वही अप्लाई करना था और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि स्टीम जो होता है ना ये टरबाइन के अंदर में एंटर कर रहा है, ठीक है। ये अपना टरबाइन हो गया, नोटेशन होता है टरबाइन का, यहाँ पे स्टीम एंटर करेगा तो आपको भी पता है कि उस टाइम उसकी इंटरनल एनर्जी स्टीम की रहे चाहे इंथैल्पी रहे, ये एंट्री के कंडीशन में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एंट्री के केस में एनर्जी जो रहता है स्टीम के पास ज़्यादा रहेगा, और जब बाहर जाएगा तो कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि टरबाइन का जो ब्लेड रहेगा उसको रोटेट करने में वो खर्चा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे क्या टरबाइन रहता है, किसको रोटर बोलते हैं, ठीक है, कैसे ये घूमता है, ये सब कुछ हम लोग उस टाइम पढ़ने वाले भी हैं। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो देखते हैं डेटा क्या क्या देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो डेटा देकर रखा हुआ है एंट्री का केस का देकर रखा हुआ, ये आपका आउटलेट केस में देकर रखा हुआ, ये सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है ये बात की बात है पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हीट लॉस टू द सराउंडिंग मतलब इस टरबाइन से बाहर जो आपका हीट जा रहा है उसको 50 kJ बोला गया, तो भाई अगर बाहर जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यू देकर रखा हुआ माइनस 50 kJ/kg देकर रखा हुआ, ठीक है। तो पूछा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप नेगलेक्ट कर दो तो वर्क आउटपुट कितना होगा, तो फिर मेरे भाई वो सिंपल आपका क्या आ गया, लगाओ यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो एच वन प्लस, अब देखो वी वन ये सब क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि भैया देखो काइनेटिक एनर्जी और वो आपका पोटेंशियल एनर्जी उसको नेगलेक्ट करके रखा हो, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू एच टू प्लस डब्ल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू एच वन कितना देकर रखा हुआ, एच वन देकर रखा हुआ 2993, एच टू देकर रखा हुआ 226।
अब यहाँ पे जो प्लस क्यू लिखा लेकिन इसने बोला कि सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में जा रहा है, तो प्लस का जगह क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे जो वर्कडन निकल का आएगा ये निकल का आएगा आपका 2717 किलो जूल पर केजी निकल का आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, जितना भी आपका न्यूमेरिकल जो पोर्शन था ये सारे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ वाला देखा था, सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने फिर देखा कि जो ओपन सिस्टम के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी जो अगर वर्कडन निकल कर आता है तो ये फर्स्ट लॉ का ही अप्लीकेशन होता है। ठीक है, फिर थर्ड में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई स्टीम है मतलब कोई अगर टर्बाइन है तो इनलेट के केस में उसमें एनर्जी ज़्यादा रहता है, आउटलेट के केस में कम रहता है। ठीक है, फिर ये भी टर्बाइन का ही अप्लीकेशन था, ये भी आपका एक सॉरी पिछले ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका किसके किसका केस बन रहा था, ये भी टर्बाइन के केस है। ये वाला जो आपका एक स्टीम व्हीसल होता है, ठीक है, अब ये क्या होता है ये जब हम लोग कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉयलर के अंदर कि इकोनोमाइजर क्या होता है, सुपर हीटर क्या होता है, ठीक है, तब वहाँ उसको बारे में समझेंगे। उसके बाद ये भी आपका टर्बाइन का एप्लीकेशन था और लास्ट वन भी टर्बाइन का, मतलब जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है उसको हम लोग उसका जो एप्लीकेशन है हम लोग हर जगह कर सकते हैं, चाहे वो कंप्रेशर हो, ठीक है, चाहे आपका टर्बाइन हो, चाहे आपका नोजल हो, ठीक है, तो हर जगह इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप कि सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।